नमस्कार निटिंग एंड क्रोसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आप लोगों को नी कैप या इसे नी बार्मर भी बोल सकते हैं ये कैसे बनाया जाता है ये बताने जा रही हूँ मेरे फेसबुक पेज पर सिमरन जी की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं नी कैप बनाना सिखाऊं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है वैसे भी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और सर्दियों में अक्सर ही लोगों को जोरों में दर्द की शिकायत रहती है नी कैप पहनने से उस दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी आप लोग भी इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये आप लोगों को कैसा लगा अब इस नी कैप के बारे में आपको पहले मैं बता दूं कि ये नी कैप मैंने सत्तर फंदे लिए हैं इसमें यह मीडियम साइज का है यदि आप इसे लार्ज साइज में बनाना चाहते हैं तो सेवेंटी फोर सेवेंटी सिक्स फंदे ले लें लेकिन बनाने का टेक्निक वही रहेगा जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ है इसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं बना सकते हैं इसके लिए दस नंबर की सिलाई एक निडिल और सौ ग्राम फोर प्लाई ऊन की आवश्यकता होगी इसमें मैंने दो कलर का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो एक कलर में भी बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये कैसे बनाया जाता है सबसे पहले इसमें सत्तर फंदे लेंगे इस तरह से ये नोट बना लेंगे उसके बाद देखिए यहाँ इस तरह से पकड़ेंगे धागे को और सत्तर फंदे डाल लेंगे इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं इस तरह से सत्तर फंदे डाल लेंगे उसके बाद ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे इस तरह से एक एक फंदे को सीधा बुनेंगे पहले ये मीडियम साइज़ का है इसलिए इसमें मैंने सत्तर फंदे डाले हैं पहली सिलाई पूरी सीधी बुन लेने के बाद अब ये दूसरा कलर लगा लेंगे इसमें बॉर्डर बनाने में जब भी कलर चेंज करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये उल्टे तरफ से कलर चेंज करेंगे इसमें एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ये फंदा उतार लेंगे फिर एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से पूरी सिलाई बुनेंगे एक फंदा उतारेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे फिर इस फंदे को उतार लेंगे, उल्टा बुनेंगे। इसी तरह सिलाई बुन लेंगे बुन लिए हैं, इसके बाद देखिए दूसरी सिलाई में इस फंदा को उल्टा बुनेंगे और ये जो फंदा जिसे उतारे थे इसे सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे एक उल्टा फंदा बुन लेंगे धागा पीछे एक सीधा फंदा फिर धागा आगे इस फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे इस फंदे को सीधा बुन लेंगे इसी तरह से इस पूरी सिलाई को बुनेंगे कलर चेंज करने में यदि इस तरह से बॉर्डर बनाइए ये जो लाइनिंग दिख रहा है ये सामने की तरफ देखिए ये सामने की तरफ नहीं आएगा इस तरह से ये उल्टा फंदा हो जाएगा फिर इसे सीधा फिर एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से ये पूरी सिलाई बना लेंगे तीसरी सिलाई में देखिए फिर उसी तरह से जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे यानी एक सीधा एक उल्टा फिर एक सीधा और एक उल्टा इसी तरह एक सीधा और एक उल्टा करते हुए बॉर्डर को बना लेंगे ये बॉर्डर कम से कम साढ़े तीन से चार इंच लंबा बनाएंगे ये देखिए ये चार इंच लंबा बॉर्डर है इसमें तीस सिलाइयाँ मैंने बुनी हैं बॉर्डर के इसको आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह पंद्रह यानी ये तीस सिलाइयाँ हो गई ये किनारा इस तरह से काउंट कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा इस तरह से ये तीस सिलाइयाँ एक सीधा और एक उल्टा करते हुए मैंने बॉर्डर बनाया है इस बॉर्डर को भी उसी तरह से एक सीधा और एक उल्टा करते हुए तीस सिलाइयों तक बना लेंगे ये देखिए ये तीस सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर के बना लिए हैं इसके बाद अब कलर चेंज करेंगे कलर जब भी चेंज करेंगे तो रॉन्ग साइड से चेंज करेंगे ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे पूरी सिलाई सी उल्टी बुनने के बाद अब देखिए इसमें सत्तर फंदे हैं तो तीस फंदा इधर और तीस फंदा इधर बीच में दस फंदा हो जाएगा तो पहले तीस पंदे को सीधा बुन लेंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और ये तीस इस तरह से ये तीस फंदे सीधे हो गए इधर भी देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाइस तीस इन तीस फंदों को छोड़ करके ये देखिए तीन तीन छः तीन नौ एक दस ये दस फंदे हैं बीच में इसे उल्टा बुन लेंगे नौ फंदा उल्टा बुनेंगे पहले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये नौ फंदा उल्टा हो गया देखिए तीन तीन छः तीन नौ ये नौ फंदा उल्टा हो गया ये दसवा फंदा इसे उतार लेंगे और सिलाई को ये धागे को इस तरह से पीछे कर देंगे उसके बाद यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे उस अब तेरह फंदा उल्टा बुनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दस फंदा हो गया फिर ग्यारह बारह तेरहवा फंदा उसी तरह से उतार लेंगे और धागे को आगे इस तरह से आगे कर लेंगे फिर इसे यहीं पर घुमा लेंगे उसके बाद फिर इसे उल्टा बुन लेंगे अब सोलह फंदा इधर फिर तीन फंदा और ले लेंगे इस तरह से ये सोलह फंदा हो जाएगा ये देखिए उसके बाद ये तीन फंदा एक दो और तीसरा फंदा इसे उतार लेंगे धागा को इस तरह से आगे कर लेंगे फिर इसे सिलाई को घुमा लेंगे और इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से बुनने से यहाँ पे गैप नहीं आता है अब ये सोलह फंदा हो गया फिर यहाँ इसके बाद इस तीन फंदे को फिर उसी तरह से बुनेंगे इसी तरह दोनों तरफ से तीन तीन फंदे को करते हुए सभी फंदों को उल्टा बुन जाएंगे हर सिलाई में तीन फंदा बढ़ता चला जाएगा यहाँ देखिए फिर उसी तरह से एक दो फंदा उल्टा बुनेंगे तीसरा उतारेंगे धागा को इस तरह से आगे कर लेंगे फिर इसे सिलाई को घुमा लेंगे फिर यहीं से घूम जाना है देखिए यहाँ पे फिर यहाँ उसी तरह से एक दो तीसरा फंदा वैसे ही उतार लेंगे धागा को इस तरह से पीछे कर देंगे फिर सिलाई को घुमा लेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे उसके बाद फिर इधर से तीन फंदा इसी तरह इसे बुन लेंगे देखिए दोनों तरफ से तीन तीन फंदा पहले दस फंदा फिर तीन तीन फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए अब ये सभी फंदा इस सिलाई पे आ गया है इसके बाद अब क्या करेंगे दोनों तरफ तीन तीन फंदा छोड़ते जाएंगे और बीच में जैसे दस फंदा आ गया था उसी तरह पहले यहाँ तीन फंदा छोड़ेंगे फिर उस सिलाई में नेक्स्ट सिलाई में बुनते हुए आएंगे और इधर तीन फंदा को छोड़ देंगे इस तरह से ये पूरी सिलाई उल्टा बुनेंगे लास्ट का तीन फंदा उसे छोड़ देंगे ये देखिए इस तीन फंदे को छोड़ देंगे बुनना नहीं है फिर यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे इस किनारे वाले फंदे को उतार लेंगे बुनेंगे नहीं इसी तरह पूरी सिलाई उल्टा बुनने के बाद फिर इस किनारे भी तीन फंदे को छोड़ देंगे इसी तरह यहाँ जैसे तीन तीन फंदे बढ़ाते चले गए थे अब ये तीन तीन फंदा छोड़ते चले जाएंगे इसको बुनना नहीं है उसके बाद बीच में दस फंदे बच जाएंगे जब तक दस फंदे नहीं हो जाते हैं तब तक दोनों तरफ से तीन तीन फंदे छोड़ते चले जाएंगे यहाँ देखिए फिर ये तीन फंदा बचता है इसे छोड़ देंगे इस फंदे को उतारेंगे धागा ऐसे आगे करेंगे उसके बाद फिर उल्टा बुनेंगे फिर इस तीन फंदे के बाद फिर ये तीन फंदा इसे छोड़ देंगे इस तरह से तब तक कर बुनते रहेंगे जब तक बीच में दस फंदे ना आ जाए यहाँ देखिए दोनों तरफ से ये तीन तीन फंदे छोड़ते हुए अब बीच में ये दस फंदा इसे छोड़ देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस फंदा अब ये तीन फंदा इसे भी छोड़ देंगे और यहीं से टर्न ले लेंगे इसके बाद ये पूरी सिलाई उल्टा बुन लेंगे देखिए ये दस फंदा हुआ इसके बाद ये सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे ये देखिए कलर चूँकि उल्टे तरफ से चेंज करते हैं रॉन्ग साइड से इसलिए ये पूरी सिलाई उल्टा बुन लेंगे ये पूरी सिलाई बुन लेने के बाद उल्टा अब ये देखिए ये रॉन्ग साइड है इस साइड से अब ये दूसरा कलर लगा करके बॉर्डर ये बॉर्डर उसी तरह बनाएंगे जैसे यहाँ पे किए थे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उतारेंगे इसी तरह से इस तरह से एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर एक फंदा उतार लेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उतारेंगे इसी तरह ये पूरी सिलाई बना लेंगे यहाँ देखिए जैसे ये तीस सिलाई का बॉर्डर बनाए थे उसी तरह ऊपर में भी अब तीस सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे ये फंदा उल्टा हो जाएगा और ये जो है फंदा इसे सीधा बुनेंगे किनारे का फंदा हमेशा ही उतार लेंगे इससे सिलाई में आसानी होती है उसके बाद धागा आगे कर लेंगे ये एक उल्टा हो गया फिर धागा पीछे ये फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे उल्टा धागा पीछे सीधा उल्टा फिर सीधा इसी तरह से ये पूरी सिलाई बना लेंगे और ये बॉर्डर तीस सिलाई तक इसी तरह से बुनेंगे जैसे इसे बनाए थे ये देखिए बॉर्डर अब ये तीस सिलाई पूरा हो गया है इसके बाद यहाँ भी किनारे पे दूसरे कलर से बनाए थे यहाँ भी ये कलर लगा करके ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे आप चाहे तो एक कलर में भी बना सकते हैं ये देखिए पूरी सिलाई उल्टा बुनने के बाद अब सामने से एक फंदा सीधा और इस एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसे ऊपर से उतार देंगे फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर इस फंदे को ऊपर से गिरा देंगे अब सीधा बुनेंगे फिर फंदा को ऊपर से गिरा देंगे फिर एक उल्टा फंदा यानी जिस तरह से बॉर्डर बुना हुआ है उसी तरह से बुनते हुए इस फंदे को गिरा देंगे सभी फंदों को बंद कर देंगे ये देखिए इस तरह से इन सभी फंदों को बंद कर देंगे ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को बंद कर दिए अब इसकी सिलाई करनी होगी देखिए इस तरह से deje en dono fondos de esta manera इसी तरह इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से देखिए ये नी कैप बन करके तैयार है इन फंदों को जब बंद करेंगे तो बंद करने के वक्त इसे थोड़ा ढीला रखेंगे ये देखिए उम्मीद करते हैं ये नी कैप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद